सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप सभी दूसरे ओडीआई में रोहित शर्मा के कमबैक से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर आखिरकार भारतीय टीम ने सीरीज में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरे ओडीआई मुकाबले को भारतीय टीम ने 36 रनों के अंतर से जीता और सीरीज में अपनी वापसी करी। अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी रही और पहले बल्लेबाजी करते हुए आज भारतीय टीम ने विरोधी टीम को 341 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिया। भारतीय टीम आज इतना बड़ा लक्ष्य बनाने में सक्षम इस वजह से हो पाई क्योंकि शिखर धवन ने 96, कप्तान विराट कोहली ने 76 तो वहीं केएल राहुल ने 80 रनों की तूफानी पारी खेल दी। इसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार चला गया और जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो गए। दोस्तों, गेंदबाजों के सामने यह परीक्षा थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के विकेट निकालने थे। अति दौर से ही मोहम्मद शमी की तूफानी गेंदबाजी देखने को मिली और शुरुआत हुई डेविड वार्नर का विकेट गिरने से। इसके बाद तो बीच बीच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बड़े विकेट्स निकाले और 50वें ओवर की पहली गेंद तक ऑस्ट्रेलिया की टीम पवेलियन का रास्ता नाप चुकी थी। आपको बता दें कि 304 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने हमेशा की तरह एक बार फिर से अपना बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने जीत का श्रेय भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को दिया है। साथ ही रोहित शर्मा की वापसी से भी कप्तान विराट कोहली बेहद ही खुश हैं। आपको बता दें कि मैच के बाद हुई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए कप्तान कोहली ने कहा, कुछ समय पहले केएल राहुल को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देखिए कि उन्होंने कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है। बाद में कोई शक नहीं कि केएल राहुल भारतीय टीम में खेलना पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं और उनकी वापसी पर मैं बेहद ही खुश हूं। इस तरीके से आज इन्होंने मुश्किल समय में भारतीय टीम के लिए 80 रनों की एक तूफानी पारी खेली वह दर्शाता है कि केएल राहुल में कितना पोटेंशियल है। दूसरी तरफ शिखर धवन ने भी आज भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली। मेरे हिसाब से शिखर धवन एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उनके द्वारा बनाए गए रन व आंकड़े ही काफी है आप सभी को बताने के लिए कि वह आखिरकार टीम का हिस्सा क्यों है। पिच मैदान में आप सभी ने देखा होगा कि रोहित शर्मा थोड़ी देर के लिए तकलीफ में भी थे क्योंकि उनके लेफ्ट शोल्डर में काफी दफा चोट लगी है, तो इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी भी उम्दा थी। उनकी शुरुआत ने ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों में वह जज्बा जगाया और हम इतना बड़ा लक्ष्य विरोधी टीम को दे पाए। इत पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अगले मुकाबले में भी टीम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही जिस तरीके से हमारी टीम के गेंदबाजों ने आज ऑलराउंड प्रदर्शन में अपना 100% दिया और इस लक्ष्य को बचाया, इससे पता चलता है कि हमारी टीम पिछले मुकाबले की हार से कुछ सीख चुकी है। सीरीज के डिसाइडर मुकाबले को जीतने पर ही हमारी नजर रहेगी। तो कप्तान विराट कोहली ने अपने बयान में सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करी और खास तौर पर टीम के टॉप ऑर्डर की। पिछले मुकाबले में सबसे ज्यादा टॉप ऑर्डर ही फ्लॉप रहा था और वाकई में जिस तरीके से इस मुकाबले में रोहित शर्मा, केएल राहुल व शिखर धवन ने शुरुआत दिलाई और बढ़िया बैटिंग करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया, से यह पता चलता है कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हराने का दम रखती है। खैर दोस्तों, अब देखना होगा कि कौन सी टीम तीसरा ओडीआई मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने वाली है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, तीसरे ओडीआई मैच को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।